गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरो फंक्शंस के बारे में और लेक्सिकल डिस्क के बारे में। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे अपनी इस वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है एक्सेस, तो क्या कर रहे हैं आप, कर लें इसको एक्सेस, क्लिक करें यहाँ पर, इसको बुकमार्क कर लें और यहाँ क्लिक करके इसको जल्दी से सेव कर लें। अब टाइम बिना वेस्ट करते हुए tut60.html में बनाऊँगा, बिल्कुल ज़ीरो टाइम में, एकदम शून्य मिनटों में। देखो मैंने यहाँ पर जल्दी से क्या किया कि एक बॉयलर प्लेट लिख दी और एरो फंक्शंस लिख दूंगा। और एरो का मतलब होता है तीर कमान, और एरो का मतलब तीर होता है वैसे, लेकिन एरो फंक्शन यहाँ पर क्या होते हैं ये ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर div डॉट कंटेनर लिख देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज एरो फंक्शन ट्यूटोरियल, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड नहीं टूटेगा मेरा, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एरो फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ एरो फंक्शन के बारे में कि ये है किस चिड़िया का नाम, किस चिड़िया का नाम है। ओके, तो सबसे पहले ये शॉर्टकट है, ठीक है। शॉर्टकट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बनाना चाहूँ, मैंने यहाँ पर बना दिया फंक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पर मान लो इसका नाम रखता हूँ ग्रीट, और उसके बाद पैरामीटर कुछ नहीं देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग नहीं, अलर्ट करूँगा, अलर्ट या कंसोल डॉट लॉग ही करता हूँ, अलर्ट थोड़ा अनोइंग हो जाता है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा गुड मॉर्निंग सेमीकोलन, यहाँ पर ग्रीट को रन करूँगा। और आप लोगों को अगर इस ग्रीट को रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर इसको लाइव तो कर दूँ, पहले गो लाइव पे क्लिक करना होगा, ये खुलेगा, और इंस्पेक्ट में मैं जाऊँगा, इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार, देखो गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, अभी यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर गुड मॉर्निंग लिखा और गुड मॉर्निंग को आप लोगों को रन करके दिखा दिया। तो आप लोग ये कहोगे कि यार इसमें क्या नया था, ये तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या नया था, मैं आपको बताता हूँ कि यही चीज़ शॉर्टकट में कैसे लिखी जा सकती थी, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी बचा के कैसे लिखी जा सकती थी। मैं इसी फंक्शन को कुछ इस तरह लिख सकता था, ग्रीट इज इक्वल टू, और मैं कुछ ऐसे कर सकता था इसको, और ये एरो है, इसको एरो कहते हैं जो मैंने अभी बनाया, और ये मैं फंक्शन को जिस तरह लिख सकता था, और यही हमारा एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन है जो कि क्या करता है, शॉर्टकट प्रदान करता है हमको। तो अगर अभी इसको देखें तो ये भी एक काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि हम इस तरह से शॉर्टकट लिख सकते हैं। अब ये मेनली कहाँ यूज़ होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। हमने सेट टाइम आउट देखा था, ठीक है। सेट टाइम आउट जब भी आप लिखते हैं, मान लो मैं सेट टाइम आउट, मान लो 3 सेकेंड के बाद मैं लिखना चाहता हूँ 3000, मान लो 3 सेकेंड के बाद मैं ग्रीट को रन करना चाहता हूँ, ठीक है। और मान लो मैं ग्रीट को रन नहीं करना चाहता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग कुछ करना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ मैंने अभी हाईलाइट कर रखी है अपनी स्क्रीन पर, मैंने पहले इसकी जगह एक फंक्शन रखा हुआ था, लेकिन आप यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाकर एरो फंक्शन डाल सकते हो, और ये एक शॉर्टकट है एक तरह से, अभी के लिए इतना समझो ये शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट किस चीज़ का, एक फंक्शन का, क्योंकि बार बार आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, कोई नाम देना पड़ेगा, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये शॉर्टकट दे दो और काम बना लो अपना, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, और मैं लिखूँगा यहाँ पर वी आर इनसाइड सेट टाइम आउट, ठीक है। अब 3 सेकंड के बाद आपको दिखेगा, देखो वी आर इनसाइड सेट टाइम आउट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन बना दिया जो कि एक शॉर्टकट है, और बहुत ही बढ़िया, आई मीन इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। शॉर्टकट तो हमें पसंद है ज़िंदगी में, और आप लोगों को तो पसंद होंगे ही, मुझे मालूम है, शॉर्टकट मारते ही हो आप ज़िंदगी में। अब मान लो हम यहाँ पर लेट लिख देता हूँ, अच्छी बात होती है लेट लिखना, वैसे जावास्क्रिप्ट बहुत फॉरगिविंग है, नहीं भी लिखूँ तो काम हो जाता है, बट लेट हमेशा लिखो, हमेशा मतलब नींद में भी, ठीक है। तो लेट सम अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं और एक फंक्शन बनाऊं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर सेमी कोलन भी लगा देते हैं, मान लो इसको मैं ए और बी आर्ग्यूमेंट्स देना चाहता हूँ, और मैं रिटर्न करना चाहता हूँ इससे ए प्लस बी, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, ए प्लस बी, सेव किया। अब अगर मैं यहाँ पर सम 34 और 5 करूँ तो 39 आ गया, देखो। अगर इसी का नाम मैं सम 2 कर दूँ अभी, तो सम 2 34 9 करूँ तो मुझे यहाँ पर 39 मिल जाना है, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, हमने यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बनाया, और ये भी एक एरो फंक्शन ही है जैसे कि आप देख सकते हैं।
अब इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और कुछ ऐसा कहता है जावास्क्रिप्ट आपसे कि ए वत्स, ए वत्स, वत्स तुम इतना बड़ा मत लिखो, वत्स तुम इसको शॉर्टकट में लिख दो, वत्स तुम्हें रिटर्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वत्स तुम सिर्फ इतना लिख दो वत्स। तो आप कहेंगे जावास्क्रिप्ट देवता, आप महान हैं, आप महान हैं, ठीक है। इस तरह से अगर लिख दो तो आपको और शॉर्टकट मिल जाएगा, इसका मतलब शॉर्टकट का भी शॉर्टकट, यानी कि सोने पे सुहागा, तो ये मिल जाएगा आपको। अब देखो ये रन होता है या नहीं, ये देख लेते हैं ज़रा रिलोड करके। क्यों नहीं होगा यार रन, मैं गलत थोड़ी ना बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसको छोटे को और छोटा कर दिया, यानी कि शॉर्टकट रास्ते में भी अगर आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लें तो आपसे बड़ा बाजीगर कोई नहीं है, ठीक है। तो वही वही एरो फंक्शंस के ज़रिए आप कर सकते हैं, और बड़े आराम से आप लोग ये चीज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों की रिटर्न वैल्यू क्या है, कि जैसे मान लो मैं एक हाफ नाम से फंक्शन बनाता हूँ, मान लो ये नंबर को हाफ करता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए को लेगा और ए को हाफ कर देगा, रिटर्न कर देगा ए बाय टू। तो अब ये कहता है वत्स तुम ब्रैकेट भी मत लगाओ, जावास्क्रिप्ट देवता बोलते हैं कि वत्स तुम्हें ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, बस मुझे ए दिखा दो मैं समझ जाऊंगा। तो आप कहेंगे क्या ऐसा क्या, तो आप हाफ को रन करेंगे 45 के लिए, 22.5 आ जाएगा, ये क्या हुआ, एरर क्यों आया। ओके ए बाई टू करना है यार, ए बाई बी थोड़ी ना करना है, हाफ करना है तो ए बाई टू करना पड़ेगा ना। तो हाफ 45 करेंगे आप तो आपके पास 22.5 आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट है यार, और बहुत ही मुझे पसंद आती है ये चीज़। पसंद क्यों आती है, पसंद इसलिए आती है यार क्योंकि आप कम से कम टाइप करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाते हैं ज़िंदगी का। अब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स होते तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, वो एरर हो जाएगा, ठीक है, ये एरर हो जाएगा अगर आपने ऐसे कर दिया। देखो यहाँ पर लाल लाल आ गया, तो ये देखें आप, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर एक आर्ग्यूमेंट है तब आप ऐसे लिख सकते हैं, दो आर्ग्यूमेंट एक रिटर्न वैल्यू है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है ज़रूर आप लोग देखें। अब यहाँ पर क्या, अगर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, अब मान लो कि जैसे हमारा ग्रीट फंक्शन था, जैसे हमारा एक ग्रीट फंक्शन था, इसी को मैं चेंज करता हूँ, रुको ऊपर जाकर, तो मैं इसको कमेंट आउट करके इसी को चेंज करता हूँ। इस ग्रीट फंक्शन को मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा ऊपर भेज देता हूँ मैं, और नीचे वाले को चेंज करूँगा। इस ग्रीट फंक्शन को मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ इस तरह लिख दूंगा। अब देखो क्या बोला था देवता ने, क्या बोला था जावास्क्रिप्ट देवता ने, भूल गए आप लोग, बोला था कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा बड़ा, यानी कि इससे काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि आप ये नहीं हटा सकते, अभी आपने ये हटाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आपको खाली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, शॉर्टकट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट में बहुत ही काम आने वाले हैं, और ये बहुत ही कमाल का एरो फंक्शन, टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और मेरे द्वारा लिखा गया कोड कभी पाया गया आपके द्वारा तो आपको ज़रूर मिलेगा एरो फंक्शन उसके अंदर, अगर कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा है ऑब्वियसली, तभी, अब सी सी या सी प्लस प्लस में नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको रिलोड करूँगा और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर मुझे मिल जाएगा वो, वी आर इन सेट सेट टाइम आउट। हमने एरो फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ देख ली, लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ और थोड़ी सी वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैंने लेट ओबीजे वन बनाया मान लो, अब इसमें मान लो मैंने नेम कर दिया हैरी, और उसी के बाद मैं एक फंक्शन लिखता हूँ स्पीक, और स्पीक के अंदर मैं क्या लिखूँगा, मैं स्पीक के अंदर कुछ नहीं लिखूँगा, मैं एक काम करता हूँ नेम की जगह नेम्स करता हूँ, और एक यहाँ पर एरे बनाता हूँ नेम्स का, तो यहाँ पर हैरी आ जाएगा, फिर रोहन आ जाएगा, और फिर उसके बाद स्किल एफ आ जाएगा, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, और वो हो जाएगा मेरा डीजे खिलाड़ी, तो डीजे खिलाड़ी भी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने स्पीक फंक्शन यहाँ पर एक लिखा है, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, फॉर ईच लूप लिखूँगा, मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम, दिस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर मैं एरो फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ इस तरह से ऐसे यूज़ कर सकता हूँ एरो फंक्शंस को, ठीक है। और अब यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत ही कमाल की चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखो दिस डॉट नेम्स डॉट फॉर ईच मैंने लिखा, ये लिखा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिखूंगा, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँ, क्या लिखूँ कंसोल डॉट लॉग में, लिखूंगा कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा कुकड़ू कू, और उसके बाद
स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुकड़ू को स्टूडेंट मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो क्या होगा, जैसे स्पीक फंक्शन रन होगा, यहाँ पर मैं ओबीजे वन डॉट स्पीक लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर ओबीजे वन डॉट स्पीक करके इसको रन कर दिया। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके मेथड को रन किया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आउटपुट आएगा कुकड़ों को हैरी, कुकड़ों को रोहन, कुकड़ों को उसके लेफ, कुकड़ों को डीजे खिलाड़ी। हाँ जी बिल्कुल यही आया। अब यहाँ पर ये भी चल रहा है क्योंकि सेट टाइम आउट लगा हुआ था पहले, इसको ज़रा माफ़ कर देना, मुझे नहीं सेट टाइम आउट फंक्शन को। अब यहाँ पर क्या है कि हमने स्पीक फंक्शन लिखा, स्पीक फंक्शन के अंदर हमने एक फॉर ईच लगाया और उसमें एरो फंक्शन लगाया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस एरो फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट की ग्रीटिंग यूज़ करना चाहूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ, अभी ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग, ठीक है, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर गुड मॉर्निंग, तो मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसे लिखूँ दिस डॉट ग्रीटिंग प्लस, तो दिस का मतलब ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर इस एरो फंक्शन के अंदर हूँ, ठीक है, तो दिस का मतलब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन के अंदर दिस क्या होता है, दिस बाहर वाला दिस नहीं होता है, उसका अपना दिस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी जैसे ही मैंने फंक्शन अगर यूज़ किया है ये वाला, तो इसके अंदर का जो दिस है वो मेरे बाहर वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक एरो फंक्शन है। तो ये एरो फंक्शन की खासियत है कि ये वाला जो दिस है ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके मुझे ग्रीटिंग दिलवा देगा। तो देखो यहाँ पर गुड मॉर्निंग कुकड़ू आ गया, लेकिन अगर मैंने डिफरेंस देखना बस, अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर लिया होता इस तरह से, मैंने कुछ ऐसे यूज़ कर लिया होता अगर, तो देखो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो इसका दिस है, दिस ये दिस इस फंक्शन के बाहर जाके दिस को नहीं ढूंढेगा, ये अपने अंदर ही दिस को ढूंढेगा और अनडिफाइंड प्राप्त कर लेगा। और ये जो मेरा एरो फंक्शन है वो क्या करता है, वो अपना दिस बाइंड नहीं करता है, वो कहता है मेरा कोई दिस नहीं है, मेरे पिताजी का दिस दिस है, यानी कि ये जिसके अंदर है, किसके अंदर है, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इसका दिस ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको लेक्सिकल दिस भी बोलते हैं, और लेक्सिकल दिस आप लोगों को काफ़ी सुनने को मिलेगा, तो इसको बिल्कुल आप लोग मतलब कभी भी सुने तो समझ जाना, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एरो फंक्शन यूज़ करते हो, तो जो दिस होता है वो पेरेंट का दिस होता है, लेकिन अगर एरो फंक्शन यूज़ नहीं किया है तो उस फंक्शन का अपना दिस होता है। तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान में ला सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को एरो फंक्शन समझ में आया होगा, शॉर्टकट के तौर पे यूज़ होता है। और ये लेक्सिकल दिस वाली बात जो मैंने बताई उसको थोड़ा सा एक बार और सुनना अगर नहीं आई समझ में। बात बहुत सिंपल सी है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप लोगों ने क्या किया है कि फंक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन यूज़ किया है, तो इसके अंदर इस एरो फंक्शन के अंदर जो दिस होगा वो ये अपने पेरेंट के दिस को लेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने एक असली फंक्शन लगा दिया तो इसका दिस क्या होगा, उसका दिस होगा अपना दिस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना, ऊपर आप लोग क्लिक कर देना यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक कर देना, सेव कर लेना प्लेलिस्ट को। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।